गोवा की महापौर मालिनी गौड़ के संधि और संधि के भाई के बीच घर में घुसने का रास्ता रोकने की बात पर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बड़ा कि मामला थाने तक जा पहुंचा। विवाद शनिवार रात तलासिया थाना क्षेत्र के बैकुंठ धाम कॉलोनी में महापौर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ के ससुर गोविंद सोनी और उनके छोटे भाई अमरीश सोनी के बीच हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष पलासिया थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। लेकिन रविवार सुबह इस विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया और दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। अपने ससुर के थाने पहुंचने की सूचना पर महापौर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने अपने छोटे भाई धर्मवीर और अपने कार्यकर्ताओं को पलासिया थाने भेज दिया, जो लगातार पुलिस पर अमरीश सोनी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाते रहे। पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ। ये बैकुंठ धाम कॉलोनी का है, भाई भाई का झगड़ा हुआ था और रास्ता पर दरवाजे बंद करके लेते, उसमें रिपोर्ट हुई। इंदौर में पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल द्वारा साइबर क्राइम को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से साइबर क्राइम आईजी वरुण कपूर ने अपने 100 अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे किए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिरीक्षक साइबर क्राइम वरुण कपूर ने बताया कि साइबर क्राइम तेजी से देश और विदेश में अपने पैर पसार रहा है। बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया जैसे मामले भी तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे में एक आयोजन के माध्यम से आईजी कपूर ने लोगों से साइबर क्राइम के प्रति सतर्क रहने और हाईटेक टेक्नोलॉजी के उपयोग में सावधानी बरतने की बात कही। जो हमारी जनता है, जो पब्लिक है, उस तक ये संदेश पहुंचे, साइबर क्षेत्र में सुरक्षा का क्या महत्व है और उसके कुछ उपाय उनको पता चले, ताकि वो संबंध में सोचने लगे और उस दिशा में अग्रसर हो, और वही एक बहुत बड़ी कड़ी होती है सुरक्षित। देश के गौरव महाराणा प्रताप जी की 475वीं जयंती इंदौर में राजपूत समाज ने धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने परदेशीपुरा चौराहे से महुनाका चौराहे तक वाहन रैली निकाली और चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई के बाद आने वाले रविवार को हर साल राजपूत समाज इस तरह का आयोजन करता आया। इंदौर के बाणगंगा इलाके के लवकुश चौराहे पर बारात से भरी बस और मिनी ट्रक की टक्कर में 15 लोग घायल हो गए। हादसा रविवार सुबह उस समय हुआ जब उज्जैन से इंदौर के छावनी के लिए आ रही बारात से भरी बस की लवकुश चौराहे पर एक मिनी ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस में बैठे 7 बाराती घायल हो गए, वहीं मिनी ट्रक में बैठे 5 लोगों को भी चोटें आई है। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इंदौर में एक बार फिर शादी समारोह में चोरी होने की वारदात सामने आई। शनिवार रात चोर ने तुकोगंज थाना क्षेत्र के साउथ तुकोगंज स्थित अरोरा धर्मशाला में शादी समारोह के दौरान 5 लाख रुपए की कीमत के जेवरात चुरा लिए। अरोरा धर्मशाला में अग्रवाल परिवार के शादी समारोह में पूरा परिवार रिसेप्शन में शामिल था। घटना की जानकारी उस समय लगी जब कुछ सामान निकालने के लिए परिवार के लोग कमरे में पहुंचे, जहां कमरे का ताला टूटा देख जब सामानों की जांच की गई तो वहां से जेवरात गायब थे। तुकोगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है।